तो दोस्तों आप सभी को आपको पता होगा कि Redmi Note 30 सीरीज में Redmi की तरफ से तीन नए तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए गए जा चुके हैं, Redmi Note 30, Redmi Note 30 Pro और Redmi Note 30 Pro Plus। इन तीन स्मार्टफोन को पहले ही Redmi ने लॉन्च कर चुका है Redmi Note 30 सीरीज में, जिसमें आपको 17,999 रुपये, 25,999 रुपये, 31,999 रुपये इन प्राइस बेस पर आपको देखने को मिला। अब इसके बाद Redmi ने अपने Note 30 सीरीज में एक और नए स्मार्टफोन लाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुकी है, जिसका नाम होगा Redmi Note 30 टर्बो। अब टर्बो स्मार्टफोन के लेकर बताया जा रहा है काफी बेटर स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं इस स्मार्टफोन के तौर पर, और कह सकते हैं इसमें सभी इसमें जो प्रोसेसर होगा एक नया वाला प्रोसेसर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि काफी धांसू प्रोसेसर का 4 nm की प्रोसेसर का देखने को मिल सकती है। अब इसी लीक्स अनुसार इसकी कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन सामने तो निकल के आई है, उसकी हम बात भी कर लेते हैं, साथ में इसमें प्रोसेसर जो इस्तेमाल किया जाएगा ये भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की हम बात कर ले, जैसे 6.78 इंच के आपको बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। अब ये एमोलेड होगा कि सुपर एमोलेड होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और जिस डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी होगी, आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाएगा। वही साथ में हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के लेकर, इस स्मार्टफोन में आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, 68 वाट का आपको चार्जर फास्ट 80 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है, और हो सके इसमें वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है और ये इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर भी काफी धांसु देखने को मिलेगा, जो कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें नया प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा, क्वालकम का स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल सकती है इस स्मार्टफोन के अंदर, काफ़ी अच्छी प्रोसेसर के साथ इसमें देखने को मिल सकती है। और इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 14 बेस पर देखने को मिल जाएगा, हाइपर OS सपोर्टेड के साथ देखने को मिल जाता है, तो आप कह सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स भी अच्छी फीचर्स के साथ देखने को मिल जाएगी। और लॉन्च की डेट की लेकर अभी कन्फर्म नहीं हुई कि ये स्मार्टफोन कब तक में लॉन्च किया जाएगा, फिलहाल इस महीने तो आपको नहीं लगता, क्योंकि इस महीने की बाद ही कोई इसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक ना। और उसके बाद के लिए फीचर्स तो दमदार ही देखने को मिलेंगे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब कुछ देखने को मिल सकता है, और इसमें फीचर्स के मामले में कहीं नहीं कहीं आपको अच्छी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इस स्मार्टफोन से लेकर रिलेटेड, कमेंट्स के एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।